आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि उस ट्रिक को यूज़ कर कर हर गेम में, मतलब हर गेम में आप छक्का मार सकेंगे। हेलो दोस्तों, हेलो, आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बैटिंग ट्रिक्स के बारे में, WCC 3 का, कैसे आप आसानी से मतलब छक्के कैसे मार सकेंगे। ये वाला ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को उस ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों पहला आप लोग ये सेट कर लीजिए, मतलब किधर आप मारना चाहते हो। तो दोस्तों जैसे कि मतलब बॉल इधर आए, आप लोगों को प्रेस कर देना और आप लोगों को छक्का मिल जाएगा। दोस्तों मतलब परफेक्ट टाइमिंग, अगर आपका 100% होगा मतलब लॉफ्ट बटन, तो आप लोगों को मतलब परफेक्टली मतलब छक्का चल जाएगा। दोस्तों परफेक्टली आराम से आपको छक्का मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से एक बार उस ट्रिक के बारे में बताता हूँ कैसे आप मार सकेंगे। तो पहला आप लोग जॉयस्टिक खींच लीजिए, मतलब जिधर आप मारना चाहते हो उधर, और उसके बाद फुटस्टेप्स भी मतलब सेट कर लीजिए मतलब अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपको लॉफ्ट बटन प्रेस करना है। और ये भी देखना है मतलब लॉफ्ट बटन 100% है ही, मतलब उसके देखने से मतलब हमको परफेक्टली मतलब छक्का मिल सकता है। दोस्तों उसके बाद आप लोग मतलब, तो दोस्तों जैसे कि बॉल इधर आ जाता है, आप लोगों को रिलीज़ कर देना। इसी वक्त रिलीज़ करेंगे तो आप लोगों को मतलब परफेक्ट टाइमिंग जाएगा दोस्तों, और छक्का चल जाएगा। और इसी तरीके से मतलब आप आराम से बहुत सारा छक्का मार सकेंगे, हर गेम पे आप छक्का मार सकेंगे दोस्तों ये ट्रिक को यूज़ कर। तो दोस्तों ये ट्रिक यूज़ कर आप आराम से हर गेंद पे मतलब आप छक्का मार सकेंगे। दोस्तों बस आप लोगों को परफेक्ट टाइम करना है, जैसे कि बॉल उधर आए एक ही तरीके से मतलब छोड़ देना है, एक ही बार और एक बार देख लीजिए, ऐसा छोड़ देंगे तो मतलब पूरा आप लोग मतलब छक्का मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वाला ट्रिक पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, क्योंकि मैं इसी तरीके का वीडियोस लेके आता रहता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों तो ये वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर पसंद आए तो क्या करना मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।